हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 95 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी ज़मीन का या अपने किसी प्लॉट का यूनिक कोड भूखंड गाठा संख्या जो होता है वो यूनिक कोड कैसे निकालते हैं। दोस्तों, ज़मीन खरीदने या बेचने से पहले आप अपनी जो है यूनिक कोड अपनी ज़मीन का कैसे निकाल पाएंगे, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आ जाना है और गूगल क्रोम में आने के बाद उसमें टाइप करना है IGRSUP। दोस्तों, इस वाली वेबसाइट को हम इसमें टाइप करना है। जैसे दोस्तों इस पर टाइप करेंगे, देखिए आपके सामने एक नई वेबसाइट खुलकर आएगी, होम पेज IGRSUP स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा। ये मुख्य वेबसाइट स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की आपके सामने खुलकर आ जाएगी। दोस्तों, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले इस वाले विभागीय सेवाएं, इस वाले ऑप्शन में आकर ये देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी, ये साइड में लिखा हुआ आ रहा है। इस वाली दोस्तों इस वाली वेबसाइट पर आपको कर देना है क्लिक। ये देखिए आपको लिखा मिल रहा है लाल और हरे रंग से राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी। इस वाली वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की मेन साइट खुलकर आ जाएगी। इसे आप कट कर देना है। कट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला आप ऑप्शन है राजस्व ग्राम खतौनी कोड जाने। दोस्तों, यहाँ पर आपको राजस्व ग्राम खतौनी का कोड मिल जाएगा। उसके बाद आपको भूखंड खाते का यूनिक कोड मिल जाएगा जिसे हम आपको अभी निकाल कर बताएंगे। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा भूखंड खाते के बाद ग्रस्त होने की स्थिति जाने। अगर आपने किसी भी रकबे को बेच दिया है तो उसमें बाद संख्या वगैरह है तो उसी स्थिति यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भूखंड घाटे की विक्रय की स्थिति जाने, जो बेची हुई ज़मीन होती है उसकी स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल, दोस्तों यहाँ पर खतौनी की नकल देख सकते हैं यहाँ से, और खतौनी अंश निर्धारण की नकल यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी खाली जगह पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल है, यहाँ से आप अपनी जो भी डिटेल चेक करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आप परगना तहसील जिला यहाँ से खोज सकते हैं, परगना क्या लगता है वो भी। और यहाँ से कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन सेवाएं दी हुई हैं, जैसे शिकायत पंजीकरण, शिकायत की स्थिति, ई रजिस्ट्री, स्टाम्प एंड रजिस्ट्री और राजस्व विवाद आदि सेवाएं दी हुई हैं। यहाँ से आप अपनी जो भी देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, चलिए दोस्तों मेन पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, हम आपको भूखंड घाटे का यूनिक कोड जानना है तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। और यहाँ से क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको जनपद वाले ऑप्शन में जनपद चुन लेना है, जिस जनपद में आप निवास करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपकी तहसील लगती है वो यहाँ से आप अपनी तहसील चूज कर लेना है। जैसे तहसील पीलीभीत लगती है तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राम का नाम या ग्राम का कोड चुनना है। दोस्तों, अगर आपको कोड पता है तो कोड चुन लीजिए, नहीं तो आप अपने ग्राम का नाम यहाँ पर चुन लीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने गाँव का नाम चुन लेता हूँ। गाँव का नाम चुनने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया पेज खोल कर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ खसरा घाटा संख्या द्वारा खोजें, तो आप यहाँ पर अपना घाटा संख्या या खसरा यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर खसरा डाल देता हूँ। खसरा डालने के बाद, खसरा नंबर डालने के बाद यहाँ पर खोजे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें उपलब्ध नहीं, तो मैं दूसरा डाल कर देखता हूँ। जैसे ही आप खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों जैसे ही आप खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको खातेदार का नाम और उनका जो खसरा नंबर है शुरू में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है 13 13 339 00 16 444 012, ये आपको अपने खाते का यूनिक कोड, जिसे आप यूनिक कोड बोलते हैं, वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपने जो भी खसरा है उससे यहाँ पर सर्च करके खोजे वाले ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से आप अपना यूनिक कोड निकाल सकते हैं। ये आपका यूनिक कोड रहा। अगर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ती तो यहाँ से आप उसे कॉपी करके या आपको यहाँ से लेकर उसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल स्ट्री 95 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।